मिल करके स्वतंत्रता पाई गई। छोटे बच्चों से लेकर वयवृद्ध लोगों तक ने एक दो नहीं लाखों की संख्या में अपने प्राणों की बलि दी, तब जो है यह स्वतंत्रता पाई गई। हमेशा देखा जाता है कि खुले आकाश में पक्षी उड़ते हैं, सागर में मछलियां तैरती हैं, उनको तो कोई गुलाम नहीं बनाता। उस पिंजड़े के शेर से पूछिए जिसको अच्छा खाना तो मिलता है लेकिन क्या वो खुश रहता है। उस पक्षी से पूछिए जो पिंजरे में बंद रहता है, वो खुले आकाश में उड़ नहीं सकता। हम हजार वर्षों से गुलाम रहे लेकिन हमारे अंदर स्वाभिमान कभी नहीं जगा कि हमें स्वतंत्रता भी चाहिए। इस देश के काफ़ी रजवाड़े धनिक लोग सोचते रहे कि हमें क्या लेने देना, हम तो घरों में आराम कर रहे हैं, महलों में आराम कर रहे हैं। देश में सांस्कृतिक जागृति का कार्य संतों महात्माओं पर सन्यासियों पर था लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अपने मठों में आराम करते रहे। सच्चिदानंद परब्रह्म की कृपा हुई, सम्यक जागरूकता आई और सबने हजार वर्षों की गुलामी को उखाड़ फेंका। उसकी सुरक्षा करना तो सबका उत्तरदायित्व होता है लेकिन वर्तमान में यही देखा जा रहा है कि चाहे राजनीतिक वर्ग हो चाहे अधिकारी वर्ग हो, कहीं ना कहीं अनैतिक रूप से धन का संग्रह करता है, काला धन विदेशों में भेजता है। वो नहीं सोचता कि विदेशों में भेजे हुए इस धन से मैं तो सांसारिक रूप से सुखी हो जाऊंगा। यदि हमारे देश का एक कोई व्यक्ति भूख से मरता है, नंगे रहता है, नंगे पांव टहलता है, तो क्या हमारा यही नैतिक उत्तरदायित्व है कि दूसरों का देश का धन लूटकर हम विदेशों में भेजें और स्वयं सुख में लिप्त रहें। उस घटना को याद कीजिए जब भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, उनकी माता भी सामने खड़ी थी, आंख से आंसू आए। भगत सिंह ने पूछा कि माँ क्या तुम रो रही हो? माँ कहती है कि नहीं, मैं तो इस बात से रो रही हूँ कि तू मेरा अकेला बेटा था, यदि दूसरा भी बेटा होता तो उसको भी तुम्हारे साथी में फांसी पर चढ़ने के लिए भेज देती। ऐसी माताओं से ही यह देश गौरवान्वित हुआ है, उन माताओं से नहीं जो अपने को अपने बच्चे को जो है वो तिलचट्टे से भी डराती है, काकरेज से डराती है और भूत का डर दिखाकर कोमल गद्दों पर सुलाती रहती है। राज्य करें ऐसी माता की कोई कोख ना हो जो भविष्य में जयचंद को पैदा करे, मीर जाफर को पैदा करे, मानसिंह को पैदा करे। क्योंकि मानसिंह और जयसिंह ने अपने स्वार्थ के लिए देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। अभी आपने गीत सुना था कि किस तरह से चाइना से लड़ाई चल रही थी और भारतीय सैनिकों के पास गोलियां तक नहीं थी, बंदूक की नोकों से उन्होंने कितने शत्रुओं को मारा, खाने के लिए भोजन नहीं, पैरों में जूते तक नहीं थे। लेकिन इस देश के जो धनिक लोग थे, नेता लोग थे, आराम से सो रहे थे। जब अंग्रेजों से संघर्ष चल रहा था, कितने छोटे छोटे बच्चे तिरंगा लेकर हाथ में फहराने के लिए जाते थे और सेना की टुकड़ी अपनी गोलियों से उनको भून डालती थी। उस जलियांवाला बाग की घटना को याद कीजिए, जब एक तरफ दंदनाती हुई बंदूकों से गोलियां बरस रही थी और दूसरी तरफ आज़ादी के दीवाने मरते जा रहे थे लेकिन किसी ने हार मानना नहीं सीखा था। संसार हमेशा वीरता की कदर करता है, वीर भोग्या वसुंधरा, ये हमेशा से होता आया है। पिछले 2000 वर्षों से इतिहास में इसकी वानगी देखने को मिलती है। महमूद गजनवी 17 बार हमला कर रहा है तो यहाँ का विद्वत वर्ग सोचता है हमें क्या लेना देना, किसान सोचता है कि हमें क्या लेना देना, ये तो सैनिकों का काम है देश पर लड़ना। जो ब्राह्मण वर्ग है वो सोचता है कि हम तो अपने पाठशालाओं में पढ़ाते रहेंगे, हमें क्या लेने देना। आज भी देश में कोई घटना घटित होती है, सब शांति से बैठे रहती है कि हमें क्या लेने देना। तो ये हमें क्या लेना देना, जब आप इस देश में रहते हैं तो कौन किसको लेना देना होगा। हमारे यहाँ राष्ट्रीय भावना नहीं है, यदि राष्ट्रीय भावना होती तो इतना बड़ा देश काकेशस पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक और उधर ब्रह्मपुत्र से लेकर सिंध तक आखिर हजार वर्षों में तक गुलाम क्यों रहा। कुछ विदेशी आए जिन्होंने इस देश को हजार सालों तक बंधक बनाए रखा, इस देश के सब लोग सोते रहे। कुछ कुछ देशभक्त हुए जो खड़े हुए, जो अपनी गरिमा की रक्षा के लिए, देश की गरिमा के लिए संघर्ष करते रहे।
और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। फांसी पर चलने वाले एक दो नहीं, गोलियां खाकर मरने वाले एक दो नहीं, यदि उनकी गणना की जाए तो न जाने कितने पुस्तकें भर जाएंगी। आज जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के नाम पर देश का बंटवारा हो रहा है, दलित और सवर्ण के नाम पर बंटवारा हो रहा है, जब एक देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया तो धर्मनिरपेक्ष देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद कहाँ से होता है? जब इस देश के सभी नागरिक एक समान हैं तो उसमें भी भेदभाव क्यों होता है? क्योंकि इस देश की आत्मा कहीं ना कहीं सो गई है, जागृति का अभाव है। जिस देश ने सारे संसार को ज्ञान का प्रकाश दिया हो, उस देश के युवकों में अपनी वेशभूषा के लिए सम्मान नहीं है, अपनी भाषा के लिए सम्मान नहीं है, अपनी संस्कृति के लिए सम्मान नहीं है। लेकिन यह सम्मान कौन दिलाएगा? जब राष्ट्र का सर्वोपरि वर्ग सन्यासी वर्ग ही मठों में आराम करेगा, अशिक्षा का शिकार रहेगा, नशे का शिकार रहेगा, तो इस देश का क्या भला होगा? एक बार किसी जापानी से पूछा गया कि आप गौतम बुद्ध से कितना प्रेम करते हैं? उसने कहा कि हम प्राणों से व्यतीत गौतम बुद्ध को से प्रेम करते हैं, लेकिन यदि गौतम बुद्ध हमारे देश के खिलाफ बोले तो हम गौतम बुद्ध से भी घृणा कर सकते हैं, मुंह फेर सकते हैं। एक जापानी का प्रेम है, हम जापानियों जैसे नहीं बन सकते, तो इतना तो करें कि हम अपने राष्ट्र से प्रेम करें। आज भी देश पर कोई संकट आ जाए तो मैं समझता हूँ देश की आधी जनसंख्या कहती है कि अरे हमें क्या लेना देना, किसी में उबाल नहीं आता। एक छोटा सा जर्मनी जिसने पूरी दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध में हिला दिया था, सारी दुनिया को जीतने का मादा रखता था, आपके उत्तर प्रदेश से छोटा है। स्विट्जरलैंड कोई बड़ा नहीं है। आज हमारे देश में नंगे भूखे लोग क्यों घूमते हैं? क्योंकि इस देश के लोगों को अपने देश से जितना प्रेम होना चाहिए वो नहीं है। जो करोड़ों रुपए घरों में रखते हैं लेकिन एक सामान्य टैक्स भी नहीं अदा करना चाहते, यदि हम टैक्स नहीं करेंगे देंगे तो हमारी सेना का खर्च कौन उठाएगा? यातायात के साधन कैसे सुरक्षित रहेंगे? सुरक्षा व्यवस्था कैसे रहेगी? हम अपना घर भरना चाहते हैं, अपने घर को देखना चाहते हैं, भाषा के नाम पर हम लड़ते हैं, प्रांत के नाम पर हम लड़ते हैं, जाति की दीवार हम खड़ा करते हैं, सांप्रदायिकता की दीवार हम खड़ा करते हैं। हर कोई अपने प्रांत की विशेषता बताना चाहता है, देश की विशेषता नहीं बताना चाहता। कभी उत्तर और दक्षिण का भेद खड़ा किया जाता है तो कभी पूर्व और पश्चिम का भेद खड़ा किया जाता है। हम अपने ही देशवासियों से घृणा करते हैं, किसी को पहाड़ी कहते हैं, किसी को मैदानी कहते हैं, किसी को गुजराती कहते हैं, किसी को बंगाली कहते हैं। हम क्यों नहीं कहते कि हम भारतीय हैं और हमारी संस्कृति एक है, हमारी भाषा एक है, हम इस देश के नागरिक हैं। इस देश में कहीं कहीं हिंदी बोलने पर ही विरोध होता है और विरोध करने वाला कोई बाहरी नहीं होता है, हमारा हिंदुस्तानी ही होता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं। दुनिया के दूसरे देशों में संस्कृत पढ़ाई जाती है लेकिन भारत के नेता अपने ही संस्कृत भाषा का विरोध करते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि संस्कृत भाषा जिस दिन मिट जाएगी उस दिन भारत भी मिट जाएगा, उस दिन भारत की संस्कृति भी मिट जाएगी। हम चेहरे से भारतीय हैं लेकिन मस्तिष्क से अंग्रेज हैं। हम अपनी संस्कृत को जिस हे भावना से देखते हैं उस संस्कृत का सम्मान तो सारा विश्व करता है। आज रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित जनगण मन पूरे देश में गाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी प्रतंत्रता की गंध हमारे अंदर ऐसी भरी हुई है, हम उसके अर्थ पर कभी भी विचार नहीं करते कि जनगण मन अधिनायक कौन है, भारत का भाग्य विधाता कौन है और कौन सा व्यक्ति है जिसकी जय जय बताई गई है। एक बात कह दी जाती है कि इस पर प्रारंभ कर दिया गया है, कोई ना बोले। जनता को भय से तो डराकर चुप कर सकते हैं लेकिन आने वाली आप पीढ़ी जब इसके अर्थ पर विचार करेगी कि रविंद्रनाथ टैगोर की हुई भूल को बार बार 68 सालों से क्यों दोहराया जा रहा है कि जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। क्या जॉर्ज पंचम भारत का भाग्य विधाता है? क्या सबके सारे भारतवासियों का वही स्वामी है और जय जय उसकी क्यों मनाई जा रही है? राष्ट्रगान राष्ट्र की गरिमा का गान होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति का गान होना चाहिए। भारत का अर्थ ही होता है भारत जो ज्ञान में तल्लीन है। आज हमारे देश की गणना दुनिया के भ्रष्ट देशों में होती रही है। हम अशिक्षित माने जाते हैं, हम अपने देश को पूरी तरह शिक्षित नहीं बना पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें हमारी अकर्मण्यता है, हमारे स्वाभिमान की कमी है। स्वतंत्रता जिस त्याग से ली गई है, जिसके लिए प्राणों की बलि सबने दी है,
उसको अक्षुण बनाए रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है। हम इस बात से मुंह नहीं फेर सकते, जैसे कि संन्यासियों का वर्ग कहता है हमने संसार को छोड़ दिया है। यदि आप संसार को छोड़ दिए हैं तो गुफाओं में क्यों नहीं बैठते? यदि आप बड़े बड़े मठ बनाकर समाज से धन लेते हैं सेवा के नाम पर, तो आपका उत्तरदायित्व है कि जन जागृति करें। यहाँ की संस्कृति में जो विकृतियाँ हो गई हैं, अपनी प्रतिष्ठा की चिंता किए बिना उसका खंडन करें, समाज को मार्ग दर्शाएं। हर अध्यापक का उत्तरदायित्व है कि चाहे कुछ भी हो जाए, नई पीढ़ी को ऐसे सुसज्जित करें ताकि वो राष्ट्र का निर्माण कर सके। अध्यापक ही राष्ट्र निर्माता होता है। अध्यापक सृजन भी कर सकता है, विनाश भी कर सकता है। अध्यापक ही है जिसने राम को पैदा किया, अध्यापक ही है जिसने श्री कृष्ण को पैदा किया, अध्यापक ही है जिसने सम्राट चंद्रगुप्त को पैदा किया। यदि अपना अध्यापक कर्तव्य निभाएं, ये सन्यासी कर्तव्य निभाएं, जो धनिक वर्ग हैं सच्चे हृदय से ईमानदारी से कर चुकता करें। राष्ट्र के सैनिक तो देश की रक्षा के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। हम अपने ऐसी कमरों में गर्मी से बचते हैं, हीटर वाले कमरों में ठंडक से बचते हैं, और वो जैसलमेर की 50 सेंटीग्रेड तापक्रम में तपते रहते हैं। -20 से भी नीचे नेफा के पहाड़ों पर या कश्मीर के पहाड़ों पर वो सनसनाती गोलियों के बीच अपने जान को जोखिम में डालकर हमारी रक्षा करते हैं। हमारे में से कोई नेता बनता है तो वो केवल अपने कार्यालय में से या मंच से केवल भाषण देना जानता है, राष्ट्र के प्रति अपनी गरिमा का एहसास नहीं करता। हमारे ही देश के लोग अपनी सेना पर उंगली उठाते हैं, हमारे देश के लोग अपनी संस्कृत पर उंगली उठाते हैं। कोई कहता है कि राम नहीं, राम एक कल्पना है, कोई कहता है कृष्ण एक कल्पना है, कोई विदेशी ये नहीं कहता। अंग्रेज कभी शेक्सपियर को ये नहीं कहेंगे कि शेक्सपियर कल्पना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर आत्मबल की कमी है। इसलिए हमें अपनी भूलों को स्वीकार करना होगा, और जिस त्याग के द्वारा ये स्वतंत्रता ली गई थी उस स्वतंत्रता की रक्षा करना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है। मैं सबके साथ सच्चिदानंद परमहंस से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारी राष्ट्रीय चेतना बनी रहे, हमारी सांस्कृतिक चेतना बनी रहे, और इस देश के बच्चे से लेकर वृद्ध लोग यही सोचें, भले ही हमारे प्रांत अलग अलग हैं, हमारी भाषा अलग अलग है, फिर भी हम सब भारतवासी एक हैं। हमारे में संप्रदाय का कोई भेद नहीं, दलित सवर्ण का कोई भेद नहीं, जाति पाति का कोई भेद नहीं हो। जब तक हम इससे इस दृश्य शक्तिशाली नहीं होंगे, हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर पाएंगे। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सभी भारतवासियों को मिलकर एक रहना होगा। हम अपनी अस्मिता के लिए हम अपने प्राण उत्सर्ग करने में भी भयभीत न हों, क्योंकि हम उस देश की संस्कृति में पले हैं जिसमें कहा जाता है कि नयम छिंदत शस्त्राणी नयनम दहत पावका नय चम क्ले देत अपन न सुसुत मारुता। फिर हम शरीर के नष्ट होने से क्यों डरते हैं? ये तो सोचिए, आज खुली हवा में हमें किसी ने सांस लेना सिखाया है तो अपने प्राणों की बलि दे करके सिखाया है। इस स्वतंत्रता की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। यदि हम हमारे देश में घोटाले होते रहेंगे, भ्रष्टाचार में जनता लिप्त रहेगी, तो इस देश की रक्षा कौन करेगा? जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए हैं उनकी आत्मा घोटालेबाजों को, भ्रष्टाचारियों को, देश के साथ धोखा करने वालों को कभी भी क्षमा नहीं करेगी। इसलिए चाहे किसान हो, उद्यमी हो, प्रोफेसर हो, शिक्षाविद हो, या महात्मा हो, शिक्षक हो, सबका उत्तरदायित्व है कि सभी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। हम तो सारे विश्व की शांति की कल्पना करते हैं, हमने किसी को बल से जीतकर अपनी संस्कृति नहीं थोपी, अपना धर्म नहीं थोपा। हम तो दो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपस शांति, वनस्पतियाँ शांति, विश्व देवा शांति का उद्घोष करने वाले हैं। इसलिए हम शांति का दीपक जलाएं, लेकिन इतना ध्यान रखें उस दीपक को कोई बुझाने की चेष्टा न करें। प्रणाम जी।